या संत के दर्शन या कथा हो या भागवत हो, ये कब मिलते हैं? ये जब मिलते हैं जब आपका नसीब अच्छा हो, जब आपके पिछले जन्म के पुण्य उदय हो जाते हैं, तब संतों के, संत को संत नहीं संत भगवान कहा जाता है। आज आपके गांव में श्रीमद् भागवत महापुराण की ये कथा चल रही है और बड़े नसीब वाले हैं आप सभी लोग जो आज संत भगवान भी यहाँ बैठे हैं। जोरदार तालियां बजा दीजिए, स्वागत है। और परीक्षक जी से निवेदन, हाँ, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। संतों से मिलने के फायदे बता रहा हूं, संतों से मिलने का फायदा क्या है? संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग धरती पड़े तो कोटिन यज्ञ समान। कुछ लोग समझ गए होंगे, कुछ लोग नहीं समझे होंगे। संत मिलन को चालिए, जब संतों से मिलने जाएं तो कैसे जाएं? संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, तज माने छोड़ दो, त्याग दो, किसको? माया यानी पैसा, अभिमान। पैसे के गुमान को घर पे छोड़ दो कि हम पैसे वाले हैं या हम धनवान हैं या हम बहुत बड़े करोड़पति हैं, हमारी ये बंगला है, ये गाड़ी है, ये खेत है, हमारी बैंक बैलेंस फुल है, ऐसा सोच के संतों से मिलने नहीं जाया जाता। कैसे जाएं? तज माया अभिमान। और जब आप इस माया के अभिमान को त्याग कर जब संतों से मिलने जाएंगे तब ज्यो ज्यो पग धरती पड़े तब कोटिन यज्ञ समान। जब संतों से मिलने जाया जाता है माया के अभिमान को छोड़कर, तब जितने कदम आपके संतों की तरफ बढ़ते हैं वो एक कदम करोड़ों यज्ञों के समान होता है तब। लेकिन आजकल जाते कहां हैं लोग ऐसे? आजकल लोग कंबल भी बांटेंगे, सर्दियों में काफी लोगों ने कंबल बांटे होंगे, कंबल बांटेंगे तो कैमरे वाले को साथ लेके जाते हैं, कंबल दिया बाबा जी ने, खड़े है जाइयो, बाबा जी बेचारे खड़े हो गए, फोटो खिंचवाई, फेसबुक पर डाल दो, आज कंबल बांटे फलाने से की। दिखावा लोग करते हैं, दिखावा बहुत जरूरी है, मतलब तुम साबित कर रहे हो कि तुमने बांटा है,